एक सेकंड लाइट जला देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है हमारा डे टू सीरीज का। तो फिलहाल हम जा रहे थे ग्राउंड, तो घर पे शूट नहीं हुआ, पर घर से मैं अपना वो पानी वगैरह पी के जो मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, गुनगुना पानी और नींबू के साथ वो पी के आ चुका हूँ। और फिलहाल मैं ग्राउंड के रास्ते पर जहाँ से जाते हैं, ये पीछे एक एरिया है जिसे बोलते हैं चांद पहाड़ी। तो यहाँ पर NCC वालों की प्रैक्टिस होती है और आर्मी वालों की भी फायरिंग वगैरह यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। और पीछे देखिए क्या मौसम है, छोटा सा सूरज अभी निकलना चालू हो गया हल्का हल्का। तो अभी हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ और आगे जा रहे हैं मेरे दोस्त ये। और ठंड का माहौल है तो बहुत ही, मतलब क्या बोलते, बहुत ही हिम्मत से जाना पड़ता है यार ऐसी ठंड में। आप लोग घर में सोते हैं, हम लोग भगते हैं, तो कोई बात नहीं, आप में से बहुत जाते भी होंगे। तो फिलहाल आगे पड़ेगा बाग, तो मथुरा में जवार बाग है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, उसकी एक दो क्लिप दिखाऊंगा आपको और फिर हम चलते हैं ग्राउंड पे, आपसे ग्राउंड पे मिलते हैं। भाई ये जो एरिया है, ये जो पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं बहुत अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर बाग चालू हो जाता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चांद पहाड़ी खत्म हो जाती है। ज़्यादा डीप नॉलेज देनी नहीं है, तो अब चलते हैं हम आगे। तो भाई हम ग्राउंड पे आके अपना वर्कआउट कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। तो आज का हमारा वर्कआउट था 2 किलोमीटर, मतलब कि 5 राउंड। तो मैंने एक पेस से दिए थे, 1.5 मिनट की पेस से अपने 5 राउंड दिए थे, तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं प्रैक्टिस करूँगा अपनी एक्सरसाइज की, मतलब कार्डियो एक्सरसाइज करूँगा। तो आप देखना, और जो आप अपनी 2 किलोमीटर लें तो वह आप अपने बेस्ट, मतलब जो एक बेस्ट होता है उससे 80 या 90% देना, पूरा मत देना, तो आपको अफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फिलहाल अभी मैं करता हूँ कुछ कार्डियो एक्सरसाइज और उसका चलते हैं घर। और घर जाके आज डाइट देते हैं, क्या सेम होगी या फिर क्या अलग होगी, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं अभी एक्सरसाइज करने। पर आगे रेस करके अब फिलहाल टाइम है कुछ खाने का, तो मम्मी दे गई हैं ये दूध और सेब डेली की तरह, जैसे हमने कल खाया था बिल्कुल सेम आज वैसे ही। अगर आप सेब नहीं खाना चाहते तो आप उसकी जगह एक केला कर सकते हैं, ज़्यादा केला तो आपको काट देगा ही देगा, हाई कर देगा वो, तो एक केला ठीक रहेगा आपके लिए। तो फिलहाल ये खाते हैं और फिर मुझे जाना है अभी वीडियो अपलोड करने। तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वहाँ पर देख लेना मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है और वीडियो जाती है लगभग 2.5 GB की। तो मेरे एक साथ के भैया हैं छोटू भैया, जिन्हें मैंने दिखाया था, तो उनके पास बात आई है, तो ऐसे मैं उनसे हेल्प ले लेता हूँ, तो ऐसी भी दिक्कत नहीं आती। तो फिलहाल चलते हैं ये खा पी के वीडियो अपलोड करने, तो आपसे मैं वहीं पे मिलूंगा। तो भाई यार आ गया मैं छोटू भैया के पास और छोटू भैया हमारे बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये रहे हमारे पीछे छोटू भैया, मैंने आपको दिखाया था, और ये लग रहा है इनका वाईफाई, ठीक है। तो भैया पता है ना कितनी गरीबी है, मैं तुम्हारे पास आके वीडियो अपलोड मारता हूँ, पब्लिक को बताया यार कैसे काम चलेगा ऐसे। तो अभी फिलहाल वीडियो अपलोड कर दूँ मैं और आपने वो देख ली होगी, क्योंकि ये ब्लॉग एक दिन लेट आ रहा है आपके पास, तो आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करने के बाद घर पर जाते हैं, अभी नहाई भी नहीं है ना, धोखे जो भी कुछ काम करना है वो करेंगे। तो सबसे मेन है पहले वीडियो अपलोड करना, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होता आप पहुँचेगी नहीं यार, कॉमन सेंस की बात है। तो फिलहाल वीडियो अपलोड करते हैं चल। यार घर पर तो काफ़ी देर के आ गए, तो हम नहा लेते हैं, मम्मी फिलहाल है नहीं यहाँ पे, मम्मी गई हैं गाँव, मेरे भैया हैं उनकी लड़की हुई है, मतलब मेरी भतीजी हो गई है अब एक, तो उसके नामकरण था आज, तो उसके नामकरण में गए, तो मम्मी आते आते लेट हो जाएंगी। एक सेकंड लाइट जला देता हूँ, तो मम्मी आते आते लेट हो जाएंगी और खाना वगैरह भी है नहीं। तो मम्मी लगभग शायद मैंने फ़ोन करा था तो 1 घंटे में आने वाली हैं, तो 1 घंटे में हम क्या करें बैठे बैठे। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना कुछ नहीं फ़ोन चलाया, उसके बाद अब नहा रहा हूँ, नहाने के बाद मम्मी आ जाएंगी तो जो खाना खाएंगे वो आपको दिखाएंगे क्या खा रहे हैं, उसके बाद जो शाम का डिलीवरी डिनर होता है वो करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल मैं जाके नहा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नहाने के बाद। तो भाई ना तो काफ़ी देर के लिए था, पर बाहर धूप में लेटा हुआ था, आप देख सकते हैं इधर की साइड चारपाई पर आराम से लेटा हुआ था। तो पर फिलहाल मम्मी आ गई हैं तो खाना भी ले आई हैं वहाँ से, तो वो मेरा दूसरा घर है जहाँ से मम्मी खाना लाई हैं, मम्मी गई थी जहाँ नामकरण में लाली के में। पर फिलहाल अभी मम्मी खाना लगाए थे हम खा लेंगे, और आज ही हम लेट हो गए, वरना हम लेट नहीं होते हैं, लगभग 12 बजे हम खाना खा सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि भाई तेरे घर पर नहीं है तो हम भी ना खाएं, तो आप खा सकते हैं बिल्कुल, जब आप सुबह अपना कार्डियो करके उसके बाद जो भी पहली मिल लो उसके 2.5 घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं आराम से। तो
हम आपको खाने पे मिलते हैं। फिलहाल तो पूड़ी पकवान खाना पड़ रहा है क्योंकि नामकरण था, नामकरण में वहाँ पे दूसरे घर पे पूड़ी वगैरह बनी थी, तो एक बार दिखा देता हूँ। तो फिलहाल पूड़ी और खीर और एक आलू की सब्जी तो ये खा रहा हूँ, आप ये ना खाएं। मतलब अब क्या कहूँ मैं आपसे कि वेट लॉस में तो ऐसा खाना ज़रूरी नहीं है, पर मैं खा रहा हूँ। अब कल थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लूँगा जिससे कि बैलेंस हो गया सब। मेरा दोस्त है प्रांजल, वो ये कहता है खा कुछ भी पर अगले दिन डबल मेहनत कर ले, तो वही सीन है। और जिस दिन आपके घर ये सब बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस लिमिट से खाएं कि आप मतलब कि जैसे 4 से 5 पूड़ियों में लगभग इंसान का पेट भर जाता है नॉर्मल, तो आप वो खा सकते हैं। अभी हम खाते हैं और फिर हम आपसे शाम को मिलेंगे क्योंकि मैं सोऊंगा और रेस के बाद सोना बहुत ज़रूरी है। तो हम लेट हो गए, आप खाना भी नहीं खाया था, तो आप खाना खाएंगे, खाने के बाद सोएंगे और फिर हम आपसे शाम को मिलेंगे। मैं तो खाना खा के फ्री हो गया हूँ। अब मेरे मन में एक बात आई थी कि आप लोग कहीं ये ना सोच रहे हो कि भाई तूने तो अपना खा लिया और हमें नहीं बताया कि हमें क्या खाना है। तो भाई जो भी घर में बना हो वो खाना, और जैसे मैंने कल बताया था कि एक रोटी कट करनी है, तो अभी जैसे 4 थी तो 4 में से एक कट कर दिया, 3 खानी है, तो मैंने आज भी 3 खाई है। मतलब पूड़ी तो मैंने लगभग 5 खा ली। तो अब कितना भी कर लो यार, पूड़ी तो तेल में सिकती हैं और आप उसमें कैसे भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पर तो आप जितनी भी रोटी खाते हैं एक कट कर देना कल की तरह, मतलब कल से और आज के लिए कट मत कर देना, टोटल रोटियों में से एक रोटी कट। आप अगर पहले तक कल से पहले तक अगर आप 5 खाते थे तो अब आप 4 खाना, 3 खाते थे तो 2 खाना, मतलब वही कहने का मतलब वो है कि एक कट करना। और एक बात ये आ रही होगी कि भाई तू तो खुद ये सब खा रहा है तो तू वेट लूज़ कैसे करेगा, तो भाई देखो ऐसा है, हम कोई बड़े आदमी तो है नहीं कि मम्मी वहाँ से लाएँ और यहाँ पर आके कुछ और बने। तो जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा अपना जो भी वर्कआउट है। तो फिलहाल मैंने खा लिया पर इतना हैवी नहीं खाया है, लगभग 5 पूड़ी खाएंगे और ये सब मैं कल अपना हैवी वर्कआउट कर लूँगा, शाम को थोड़ा कम खा लूँगा तो वो सब मेरा एकदम कवर में आ जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने और अब मैं मिलूँगा आपको शाम को। तो भाई यार फिलहाल मैं आ चुका हूँ भोली घर, छोटा वाला जो भोली है, तो मेरे साथ पाटक ब्रो भी हैं, पाटक ब्रो और ये भोली और ये भोली का रॉकी। तो फिलहाल यहाँ बैठे हुए हैं घर पे, अब सो के उठ गए तो मन नहीं लग रहा था फिलहाल, तो यहाँ पे हम सारे दोस्त आके बैठ गए और आंटी बाहर किसी काम से गई हैं, अंकल भी बाहर ही हैं, तो यहाँ बैठ के टाइम पास कर लेते हैं थोड़ी बहुत देर, फिर घर पहुँचेंगे। घर पहुँच के ही बहुत काम रहता है यार, तो बिजी ज़िंदगी आप समझ सकते हैं। तो बाड़े सर क्या देख रहे हैं आप? अरे भाई क्या बात है, हमारा पाटक थोड़ा टेक्निकल इंसान है ना, तो फ़ोन में घुसा रहता है और करता कुछ नहीं है, पूरे दिन नेट फूकना है, 2G वाला रिचार्ज है। अंकल वैसे ही परेशान हो रहे हैं इससे, कैसा आलेगा रिचार्ज नहीं कराऊंगा आपके पास, तो पाटक करा देंगे का? करा देंगे ना, अरे करा देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल यार बैठ लेते हैं थोड़ी देर इनके साथ। और ये कुत्ता बहुत खतरनाक है वैसे, जो मैंने दिखाया आपको, साला किसी का भी पैर खा जाता है, एक और बार देख लो उसे, ये बैठा हुआ नहीं। तो फिर हम थोड़ी देर मैं लेते और मिलेंगे आपसे आप अपने घर पर जाके, क्योंकि अभी भूख सी भी लगी आई है क्योंकि मैंने ज़्यादा पूड़ी खाई नहीं थी, अब वहाँ जाके फिर खाना भी खाना है और थोड़ी पढ़ाई सी भी करनी यार, जो क्योंकि टेस्ट नज़दीक पे ही नज़दीक आते जा रहा है, तो घर जाके पढ़ाई करेंगे, खाना खाएंगे और जो भी होता है हम आपको बताएंगे। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल इनके साथ बात करने, तो बाय। तो भाई यार रात के 9 बज गए, फिलहाल बोली घर से तो बहुत देर के आ गए थे, तो मैं अपना कुछ काम कर रहा था तो वो शूट नहीं करा, और खाना मैंने भाई रात का खाया नहीं है क्योंकि मुझे उतनी भूख नहीं थी, और जो हमने दोपहर में पूड़ियाँ खाई थी उसने काफ़ी पेट भर दिया था, तो अब मैंने कही कि अब शाम को क्या खाऊं, तो मेरा मन नहीं है फिलहाल खाने का। पर आपके लिए बता दूं मैं, आप खा रहे हैं तो एक रोटी कम कर देना जैसे कि हमेशा की तरह बताया मैंने, और अभी ये मत कहना कि भाई एक ही रोटी कम करवाया, तो हम कल या परसों से अपनी पूरी डाइट चेंज करेंगे, मैं बताऊँगा कैसे क्या होना है। तो फिलहाल अब मैं कुछ नहीं, अब मैं सोने जा रहा हूँ और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे भी, तो अभी मैं दूध पी के और सोने निकलता हूँ। तो मम्मी दे गई है दूध मेरा और अब मैं इसे सो के निकलता हूँ। तो इसी के साथ हमारा day 2 भी कम्प्लीट होता है चैलेंज का, और आप कुछ नया करने के लिए मिलेगा तो हम आपको वो कल दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।